बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है व्यूअर्स आप लोग खैरियत से होंगे। आज लाहौर प्रॉपर्टीज़ की अपनी टीम आ चुकी है नथिया गली में। लाहौर में चूँकि गर्मी बहुत थी और हम तंग आ चुके थे, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि आज ठंडे इलाकों की तरफ चलें और क्यों ना आप लोगों को भी साथ लेके जाया जाए। तो ये देखिए किस कदर खूबसूरत यहाँ का माहौल है, मौसम नज़ारे शानदार मौसम है। अभी हम नथिया गली की तरफ जा रहे हैं, नथिया गली पहुंचे नहीं। ये वो जगह आ गई है जहाँ से नथिया गली की तरफ टर्न लिया जाता है, मोड़ आता है नथिया गली का। एक साइड से अयूबिया को रास्ता जाता है, दूसरी साइड से नथिया गली है। घना जंगल है, इतना घना है कि वो काला महसूस हो रहा है। यानी इसको जिस तरह जो अंग्रेज़ हैं वो ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं, बहुत डीप जंगल हो तो उसको ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं। और पाकिस्तान में भी एक जगह है जिसे काला बाग कहते हैं, उसकी वजह शोहरत काला बाग नाम पड़ने की वजह भी यही थी कि वो इस कदर घना बाग था कि उसका नाम काला बाग पड़ गया, कि वहाँ डार्क शेड आने लग जाता था, ब्लैक दूर से देखते थे। तो ये अब हम आ चुके हैं मोड़ पर, नथिया गली की तरफ मुड़ने वाला मोड़ है। राइट साइड पर हमारे अयूबिया और लेफ्ट पे हम मुड़ेंगे नथिया गली के लिए। ये देखें राइट साइड पे बोर्ड लगा हुआ है यूबिया जाने के लिए, और अब हम लेफ्ट साइड पे हो चुके हैं जो कि नथिया गली को जाने वाला रास्ता है। सड़क के जो दोनों जानब पे बड़ा खूबसूरत मंजर होता है जब ये चादरें और गलीचे और छतरियाँ बेचने वालों ने अपने लगाए होते हैं सामान बेचने के लिए, और रास्ते में कई जगहों पे आते हैं बंदर, गोल के गोल आते हैं। हम उस एरिया से थोड़ा आगे निकल आए, बंदरों वाले एरिया में नहीं हैं अभी हम। नथिया गली जाने से पहले हम लोग जाएंगे एक जगह पे जिसे पाइपलाइन ट्रैक कहते हैं। ये ट्रैक पैदल रास्ता जो है डोंगा गली से जिधर हम रुकेंगे वहाँ से चलकर अयूबिया तक जाता है, और उसमें बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है, परिंदे हैं और चीता भी कहते हैं वहाँ आता है, जिसके लिए उन्होंने वहाँ पे मुसल्ला गार्ड तैनात किए हुए हैं जो कि इस बात को यकीनी बनाते हैं कि टूरिस्ट के ऊपर हमला बढ़ने के होते हैं चीता अगर आ भी जाए तो। अव्वल तो वो आता भी नहीं जब बहुत ज़्यादा लोग आए हों तो। ये देखें होटलों की तरफ बुला रहे हैं। ओवर द ईयर इस इलाके में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है, मैं बड़ी देर से इस इलाके में आ रहा हूँ तो ये रोड खाली हुआ करती थी, लेकिन ये आप जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी की आवाज़ आपने सुनी होगी, धड़ाधड़ तेज़ी से तामीराती काम जारी है। सड़क के लेफ़्ट साइड पे ही चूँकि बन सकती हैं, तामीरात हो सकती हैं, तो जो शब रोज़ वहाँ पर तैयार हो रही हैं बिल्डिंग्स होटल्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पर फ्लैट्स भी किराए पर मिल जाते हैं जो कि एक बेहतर अल्टरनेटिव रहता है अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, ज़्यादा लोग मिलकर आते हैं तो फ़्लैट ज़्यादा बेहतर रहता है कि अगर आप एक हफ़्ते के लिए या ज़्यादा अरसे के लिए फ़्लैट किराए पर ले लें तो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। ये सामने टर्न पे देखें टक शॉप्स बनी हुई है। इसके अलावा भी केपी के गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जहाँ पे टर्न आते हैं, जगहों पे मोड़ आते हैं, वहाँ खुद से डेवलप किए हुए हैं रेस्ट एरिया जहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, वाशरूम्स हैं, मस्जिद है। साथ ही साथ सड़क के किनारे पर जब आपको ये सिट्टे या छली बेचने वाले मिलेंगे, यहाँ की जो छली है उसका टेस्ट मैदानी इलाकों की छली से डिफरेंट हुआ करता है, थोड़ा सा इसका मिठास वाला जायका होता है। यहाँ से कम 10 किलोमीटर की ड्राइव है डूंगा गली तक, और वहाँ से फर्दर 2 से 3 किलोमीटर की ड्राइव है नथिया गली तक। हम कोशिश करेंगे रास्ते में आने वाले तमाम खूबसूरत जो नज़ारे हैं वो आपसे शेयर करें, आपको दिखाएं। हमने एक अकलमंदी ये की है कि हम वीकेंड पे नहीं आए, यहाँ वीकडे में आए हैं। अदरवाइज़ अगर आप वीकेंड पे आएँ तो यहाँ लंबी लाइनें लगी होती हैं गाड़ियों की, पंजाब से केपीके में जाने वाली गाड़ियाँ। नथिया गली सुबह केपीके में वाकया है और मरी वाली साइड से लोग ज़्यादा आते हैं पंजाब वाले, तो वो गाड़ियों की बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें लग जाती हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ सैर का मज़ा किरकिरा हो जाता है बल्कि उधर जाना भी बहुत दुश्वार हो जाता है, और बाकायदा आपका जो एडवेंचर है वो एक मिस एडवेंचर में तब्दील हो जाता है। यहाँ आते हुए हमने एक चीज़ नोट की कि बहुत से लोग मोटरसाइकिलों पे भी आए हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर होता है। सही महीनों में आप जो है वो मौसम एंजॉय कर पाते हैं, ठंडा मौसम होता है, बाइक पे आप चलते हैं, बाइक की एक अपनी आज़ादी होती है, गाड़ी की अगर एक सहूलत है। सामने देखें किस कदर खूबसूरत कर्व है,
और चट्टान आई हुई है सड़क के, सड़क चट्टान के साथ बनी हुई है। गंगा गली
ट्रैक जाने के लिए हमें यहाँ से राइट मोड़ना पड़ता है, पाइप लाइन ट्रैक पर जाने से पहले गाड़ी पार्क करनी होती है, वो भी पार्किंग में यहीं पर है, ये इशारे में हम बना रहे हैं भाई साहब पार्किंग कराने के लिए। हाँ जी थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ा वाली है जगह, दो बंदे लड़ रहे थे आपस में कि हम पार्क कराएंगे, तो एक्चुअली तीसरे बंदे ने पार्क करा दिया, वो लड़ते ही रह गए।